नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गार्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं इटावा प्रदर्शनी पंडाल में, जहां पर जो है विज्ञान मेला लगाया गया था, विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें कई बच्चों ने जो है विज्ञान के मॉडल्स बनाए थे, अलग अलग स्कूलों से आके विज्ञान के कई मॉडल्स बनाए थे। तो हम इन्हीं बच्चों के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इनके जो विज्ञान मॉडल हैं वो वर्क करते हैं और उन्होंने क्या मॉडल बनाया है, इनका क्या यूज़ है और उनका आइडिया कहाँ से आया, वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। विजय प्रताप सिंह। किस स्कूल से हो? राजकीय आश्रम बद्दी विद्यालय कॉलोनी इटावा। क्या बनाया आपने? मैंने सर मॉडल बनाया और इलेक्ट्रॉनिक बोरिंग मशीन। अच्छा। और ये वर्क भी करती है। अच्छा। यहाँ से वर्क करती है तो यहाँ पे लाइट भी निकालो। मैंने सर ये यूज किया, जैसे बहुत से लोग वेस्ट चीज़ फेंक देते घर से निकाल के, मैंने वो वेस्ट चीज़ों को अपने यूज में लाया। मेरा इसमें एक भी रुपया नहीं लगा। सर वाटर है, यहाँ से वाटर ऐसे जाता है और यहाँ से निकल जाता है। इससे अप करो ना तो ऑन ऑफ हो जाता है। अच्छा, पानी निकलता है। हाँ, पानी निकलता है। और ये RF मॉड्यूल है इसके पूरे मूवमेंट के लिए, और ये रिले है जो कि इसके अंदर ही वाटर टैंक है उसको कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, तो ये रिमोट भी है इसका? ही हाँ, ये इसका एक रिमोट है। हाँ, इसको आगे चलाते साइकिल से। मेरा नाम रुचि पांडे है, मैं एसडी इंटर कॉलेज से फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। ये एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है। जब हम इस साइकिल को चलाएंगे तो यहाँ पे मोटर में ग्रिपिंग होगी। ये है डीसी मोटर। इस डीसी मोटर की पावर को एसी में करने के लिए हमने यहाँ पे सेल का यूज़ किया है। ये जो सेल है इस पावर को एसी में कन्वर्ट करेंगे, इससे जो पावर प्रोड्यूस होगी इसमें कलेक्ट होगी। इसका स्विच ऑन करने पर हम इससे बल्ब जला सकते हैं, 4 से 5 घंटे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, इससे मोबाइल भी चार्ज हो सकता है।